हेलो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आंकड़ों का संकलन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, आंकड़ों के संकलन की विधियों का अध्ययन किया था, आंकड़ों के स्रोतों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 5 आंकड़ों का संगठन देखेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकरण देखेंगे कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो वर्गीकरण को समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है। जब अनुसंधान के लिए हम लोग आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो वो इतने ज़्यादा विशाल होते हैं और विस्तृत होते हैं कि उनको सरलता से नहीं समझा जा सकता। उसको समझने में बहुत कठिनाई आएगी, लगभग असंभव है उसको समझना जब तक कि उन आंकड़ों को व्यवस्थित करके उनको वर्गीकृत नहीं किया जाए। तो इसीलिए आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण के बारे में प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं, अव्यवस्थित रूप में वे मांस की भांति मृत होते हैं। यदि वो अव्यवस्थित हैं तो हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन जब वो वर्गीकृत हो जाते हैं तो वो स्वयं बोलने लगते हैं, अर्थात आसानी से उनको समझा जा सकता है और समझने के बाद निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे समंकों का वर्गीकरण क्या है। जब जो आंकड़े हम लोगों ने एकत्रित किया है विभिन्न विधियों के द्वारा, उनको गुण स्वभाव और प्रकृति की समानता के आधार पर जब विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है तो इसे ही समंकों का वर्गीकरण कहते हैं। सामग्री की इकाइयों में विविधता होने पर भी कुछ इकाइयों में समानता होती है और इसी समानता के आधार पर समस्त इकाइयों को कुछ समूहों में बांट दिया जाता है। बहुत सरल उदाहरण के रूप में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि जैसे किसी उपक्रम में 600 लोग काम करते हैं और 600 लोगों का हमको अनुसंधान करना है, तो हम लोग उनको इतना बड़ा अनुसंधान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनको वर्गीकृत कर देंगे। और हम लोग वर्गीकृत कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ समानता तो होगी उनमें। जैसे कि कुछ वर्कर ऐसे होंगे जिनका वेतन 10,000 से कम होगा, हम लोग उनको एक वर्ग में रख लेंगे। कुछ ऐसे वर्कर होंगे जिनका वेतन 11,000 से 20,000 के बीच में होगा, उनका एक अलग वर्ग बना लेंगे। फिर 21,000 से 30,000 तक के वर्कर का एक अलग ग्रुप बना लेंगे और 30,000 से जो ज़्यादा हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लेंगे। तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, कुछ न कुछ समानता होती है और उसके आधार पर उनको वर्गों में बांट दिया जाता है। आगे जाके हम लोग इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, उदाहरण को सॉल्व भी करेंगे, तो ये आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। और इसकी कुछ परिभाषाएँ भी दी हैं और हम लोग इसमें से LR कार्नर की परिभाषा को करते हैं, जहाँ जिन्होंने ये कहा है कि वर्गीकरण वस्तुओं के समूह अथवा वर्गों में उनकी समानता और सजातीयता के अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जो इकाइयों की को भिन्नता के बीच में अनेक गुणों की एकता को व्यक्त करता है। तो इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा। और वर्गीकरण के बहुत सारे लक्षण होते हैं। जो पहला लक्षण है वो है वर्गीकरण द्वारा समंकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, ये आप लोग समझ चुके हैं। यह जो वर्गीकरण किया जाता है वो समानता, सदृश्यता अथवा किसी गुण के आधार पर होता है। कोई ना कोई गुण जो समान पाया जाता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ये जो विभाजन है ये यथार्थ रूप में अर्थात वास्तविक रूप में भी होता है और काल्पनिक रूप में भी होता है। चौथा जो लक्षण है यह पदों की विभिन्नता के बीच उनकी एकता को प्रकट करता है। तो ये थे वर्गीकरण के लक्षण। अब वर्गीकरण के उद्देश्य को जानना जरूरी है और परीक्षा में भी इसको पूछा जाता है। वर्गीकरण के द्वारा अनावश्यक समंकों को छोड़ दिया जाता है ताकि समंकों को सरल और संक्षिप्त बनाया जा सके। मतलब पहला उद्देश्य क्या है, आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाना। दूसरा उद्देश्य है समंकों की समानता को और असमानता को स्पष्ट करना, क्या क्या बातें समान हैं और क्या क्या असमान है इसको स्पष्ट करना।
तीसरा वर्गीकरण का उद्देश्य है आंकड़ों के बीच में तुलना करना। वर्गीकरण करेंगे तभी हम लोग तुलना कर पाएंगे। चौथा है समंकों को नियमित एवं बोधगम्य बनाना। बोधगम्य अर्थात सरल बनाना, जो समझ में आ सके, आसानी से समझ में आ सके। पांचवा है समूह की इकाइयों में निहित भिन्नता और एकरूपता को स्पष्ट करना, अर्थात क्या क्या बातें भिन्न हैं और क्या क्या सरल हैं। और वर्गीकरण से निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है, और जो सांख्यिकी विधियाँ होती हैं जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है उनके लिए ये जो वर्गीकरण है वो आधार का काम देता है। तो अब हम लोग देखेंगे एक आदर्श वर्गीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। जो आदर्श वर्गीकरण की पहली विशेषता है कि ये उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात गुणों के यदि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्गीकरण के आधार वर्गों की गुण आदि की परिभाषा, वर्गों की संख्या सभी आदि सभी इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए ताकि अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, अर्थात जो भी वर्गीकरण किया जाए वो उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। दूसरा असंदिग्धता। वर्गीकरण की योजना में वर्ग स्पष्ट सरल तथा असंदिग्ध होने चाहिए ताकि इस बात में कोई संदेह नहीं रहे कि कौन से पद को किस वर्ग में रखा गया है। जैसे कि उदाहरण दिया था आप लोगों को कि 600 वर्कर हैं और उनको वेतन के आधार पर वर्गीकृत किया, तो वर्गीकरण ऐसा होना चाहिए कि संदेह नहीं रहना चाहिए कि इसको इस वर्ग में क्यों रखा गया। तीसरा जो गुण है विशेषता है वो है सजातीयता। किसी वर्ग विशेष का प्रत्येक पद उस गुण के अनुसार होना चाहिए जिस वर्ग में उस इकाई को रखा गया है, उस गुण के अनुसार से होना चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। इस प्रकार से मद या संख्या एक ही वर्ग में आए और प्रत्येक वर्ग एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। चौथा जो गुण है वो है विशेषता स्थिरता। एक आदर्श वर्गीकरण की यह विशेषता होती है कि उसमें स्थिरता का गुण होता है, इसमें परिवर्तन न किया जाए तथा वर्गीकरण सूचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से कठिनाई हो जाएगी अगर परिवर्तन करेंगे तो। पांचवा है लोचशीलता। आदर्श वर्गीकरण में लोचशीलता का गुण अवश्य होना चाहिए, अर्थात वर्गीकरण ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में परिवर्तित स्थितियां यदि परिवर्तित हो जाती हैं तो उसके अनुसार से उसको ढाला जा सके, अर्थात नए वर्ग जोड़े जा सकें और जो अर्थहीन है या अनावश्यक हैं उनको हटाया भी जा सके। उसके बाद उचित आकार, ये अगली विशेषता है। वर्गीकरण का आकार उचित होना चाहिए, न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए न ज़्यादा छोटा होना चाहिए ताकि उसको समझने में कठिनाई आ जाए। तो इसीलिए समंकों के गुण और स्वभाव को देखते हुए उनका वर्गीकरण करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकरण की कौन कौन सी विधियां हैं। जो सबसे पहली है वो समयानुसार वर्गीकरण है, पेज नंबर 54 आप लोग निकाल लीजिए अपनी पुस्तक में से, वहाँ बहुत बढ़िया उदाहरण दिया हुआ है कि जब समय अथवा काल के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसको समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़े, 51 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, 61 में 43 करोड़ थी, 1971 में 54 करोड़ हो गई और 2011 जो पिछली जनसंख्या जनगणना हुई उसमें 121 करोड़ हो गई। तो इस आधार पर जब आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है तो इसको समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण। जब क्षेत्रीयता के आधार पर या भौगोलिक स्थिति के आधार पर या स्थान के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है तो इसको भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता का दर कितना है, पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है, ये अलग अलग प्रदेश हैं और प्रदेशों के आधार पर अर्थात हम एक स्थान के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं इसीलिए इसको भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे। तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण। जब गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उसको गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं।
जैसे कि शिक्षा, ईमानदारी, ये गुण हैं और इसको संख्या में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, और इसके लिए कोड का इस्तेमाल किया जाता है या चर का प्रयोग किया जाता है। ए, बी, सी, उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए अलग अलग चरों का उपयोग किया जाता है। और इसी में एक है बहुगुण वर्गीकरण। जब वर्गीकरण एक से अधिक गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसको बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। जैसे एक कॉलेज के छात्रों को कला और विज्ञान में बांट दें, फिर कला और विज्ञान के छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर में बांट दें, फिर इन सभी को छात्र और छात्राओं में बांट दें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, इसीलिए इसको बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, पृष्ठ क्रमांक 55 में ये दिया हुआ है। चौथा जो है वो है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत केवल उन्हीं तथ्यों का समावेश किया जाता है जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि प्राप्तांक है, विभिन्न विषयों में जो आपको मिलने वाले अंक हैं उसको प्राप्तांक बोलते हैं, वजन है, ऊंचाई है, मजदूरी है, ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। और संख्याओं में व्यक्त होने के कारण जब इनका वर्गीकरण किया जाता है तो उसको संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि प्राप्तांकों का वर्गीकरण करना है, तो एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो 35 से 40 अंक के बीच कितने छात्रों ने प्राप्त किया है, 40 से 45 कितने छात्रों ने प्राप्त किया है, 45 से 50 कितने छात्रों ने प्राप्त किया है। जब इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसको संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। अब आने वाली वीडियो में वर्गीकरण में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे।